जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे विक्रम यूनिवर्सिटी के बारे में। तो दोस्तों, विक्रम यूनिवर्सिटी के जो भी स्टूडेंट है, सभी छात्रों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी हमारे सामने निकल कर रही है। क्या महत्वपूर्ण जानकारी, वो हम देखेंगे आज के इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को शेयर कर देना है सभी के साथ में। कोई भी डाउट हो कमेंट करना है, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो विक्रम यूनिवर्सिटी से संबंधित क्या अपडेट है, जनवरी के महीने में, फरवरी के महीने में क्या अपडेट थी हमारे लिए, जो हमारे लिए जानना जरूरी है, सारी अपडेट को देखेंगे वीडियो के माध्यम से। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए पीडीएफ देखेंगे। यहाँ पर चार, यहाँ पर 10-11 PDF है, उन 10-11 PDF को पूरी देखेंगे। तो यहाँ पर हमारा विक्रम यूनिवर्सिटी के द्वारा पहला PDF है, जो कि लास्ट 4 मार्च को वेबसाइट पर अपलोड किया गया था। और यहाँ पर क्लियर मेंशन किया गया है कि नई शिक्षा नीति के अंतर्गत वार्षिक स्नातक फर्स्ट ईयर के, सेकेंड ईयर के और थर्ड ईयर के जो भी स्टूडेंट है, आपके प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप, ये सभी चीजें हैं ना, वो कॉलेज में सबमिट होना स्टार्ट कर दिया गया है। तो अगर आपने अपने कॉलेज में सबमिट नहीं किया, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के प्रोजेक्ट, प्रैक्टिकल आपके कॉलेज में स्टार्ट हो चुके हैं, अपने कॉलेज से कॉन्टेक्ट कर लीजिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपके प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल कब होने हैं, क्या लिखना है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। इसके बारे में नोटिफिकेशन भी आ चुका है। इसके बाद अगला अपडेट आ रहा है, विक्रम यूनिवर्सिटी के द्वारा ही अपडेट आ रहा है। और यहाँ पर लिखा गया है कि स्नातक स्तर की वार्षिक प्रणाली के फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ईयर के जो मार्च-अप्रैल 2024 की प्रायोगिक प्रोजेक्ट परीक्षाएं संपन्न कराए जाने के बाबत है। यानी कि नोटिफिकेशन हुई है, लेकिन चीज यहां पर अलग लिखी गई है। वहां पर लिखा गया था वोकेशनल और ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट को भी वहां पर मिक्स किया गया था, क्योंकि उनकी परीक्षाएं भी होनी थी। प्रोजेक्ट जो ओपन इलेक्टिव होते हैं, उसमें जो कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें प्रैक्टिकल्स होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो इंटर्नशिप करवाई जाती है, तो उसके बारे में उस वीडियो में बताया गया था। लेकिन इस वीडियो में प्रॉपर बताया गया है कि प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि मार्च 2024 में जो प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल होने हैं, वो अपने कॉलेज में जल्दी से जल्दी करवा लीजिए और स्टूडेंट को भी अवगत करिए कि प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल सबमिट होना स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। इसके बाद अगला अपडेट आ रहा है, विक्रम यूनिवर्सिटी के द्वारा ही अपडेट है कि थर्ड ईयर के पुरानी वार्षिक पद्धति, ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी के तहत थर्ड ईयर के जो भी स्टूडेंट है, BA BCom BSc के आपके दोस्तों, यहाँ पर क्या कि परीक्षा फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी वाले स्टूडेंट के लिए। यहाँ पर नोटिफिकेशन आया है 28 तारीख को ही, लास्ट डेट रखी गई है 7 मार्च नॉर्मल फीस के साथ, 100 रुपये लेट फीस के साथ 8 से 10 तारीख तक भर पाएंगे, 750 रुपये लेट फीस के साथ में आप 11 मार्च से 13 मार्च तक, और 2000 रुपये लेट फीस के साथ 14 मार्च 2024 से परीक्षा प्रारंभ होने के एक दिन पहले तक अपना परीक्षा फॉर्म सबमिट कर पाएंगे, ओके। इसके बाद अगला अपडेट आ रहा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, यानी अब दोस्तों हम बात करेंगे NEP की। तो NEP के थर्ड ईयर के जो स्टूडेंट हैं दोस्तों, आपके भी यहाँ पर परीक्षा फॉर्म भरना स्टार्ट कर दिए गए हैं। अभी हमने ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी वाली बात की, अब हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी की स्टूडेंट के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर आपके भी परीक्षा फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं थर्ड ईयर के दोस्तों। यहाँ पर 7 मार्च 2024 लास्ट डेट रखी गई नॉर्मल फीस के साथ, 100 रुपये लेट फीस के साथ 8 से 15 मार्च तक, 750 रुपये लेट फीस के साथ में यहाँ पर 16 मार्च से 20 मार्च तक, और 2000 रुपये लेट फीस के साथ में 21 मार्च से लेकर और परीक्षा प्रारंभ होने के एक दिन पहले तक अपना परीक्षा फॉर्म यहाँ पर भर पाएंगे, यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों, विक्रम यूनिवर्सिटी के द्वारा अपडेट आ रहा है, क्या अपडेट आ रहा है कि आपके जो रीटोटलिंग और रिवेल्यूशन वाले जो रिजल्ट थे, उन रिजल्ट को अनाउंस कर दिया गया है। LLB फर्स्ट ईयर यानी कि LLB सेकेंड सेमेस्टर का यहाँ पर रिजल्ट आ गया, जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर जो भी रिजल्ट आ गए हैं रोल नंबर वाइज बताए गए हैं यहाँ पर, लेकिन प्रॉपर मार्कशीट है। आपको जिस तरह से रिजल्ट देखते थे, यानी कि जो जिस तरह से आप मेन रिजल्ट देखते हैं, उसी तरह से आपको अपनी मार्कशीट डाउनलोड करनी होगी। यहाँ पर केवल और केवल रिजल्ट को बताया गया है कि रोल नंबर के हिसाब से LLB फर्स्ट ईयर, सेकंड सेमेस्टर वाले सारे जो विषय हैं अलग अलग, उन सभी के यहाँ पर रिजल्ट आ चुके हैं। मैं आपको स्क्रॉल ऑन करके बताता जा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद एक और रिजल्ट की PDF आई है, जो कि आई है हमारे BA LLB सेकंड सेमेस्टर के लिए। तो BA LLB सेकंड सेमेस्टर के जो भी स्टूडेंट है, आपके भी यहाँ पर दोस्तों रिजल्ट आ गए हैं, जो कि रीटोटलिंग रिवेल्यूशन। तो यहाँ पर आप अपने जो कि रोल नंबर के अकॉर्डिंग यहाँ पर अपना रिजल्ट देख सकते हैं, अपने विषय के अकॉर्डिंग आप अपने रोल नंबर के अकॉर्डिंग रिजल्ट देख सकते हैं। इसके बाद एक और PDF आ रहा है, जो कि हमारा आ रहा है LLB सिक्स सेमेस्टर के लिए। तो सिक्स सेमेस्टर का भी यहाँ पर रिजल्ट आ गया, रीटोटलिंग और रिवेल्यूशन का। इसके बाद इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, जो कि BA फर्स्ट ईयर का है। तो BA फर्स्ट ईयर का भी रिजल्ट आ चुका है, जैसा कि देख पा रहे हैं BA फर्स्ट ईयर के जो भी रिजल्ट आ चुके हैं, जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर। साथ ही बैचलर और ऑफ आर्ट्स फर्स्ट ईयर का भी रिजल्ट आ गया। इन जो कि BA में होता क्या है दोस्तों, कि काफ़ी ज़्यादा विषय होते हैं, तो उन विषय के अकॉर्डिंग यहाँ पर रिजल्ट यहाँ पर बनाए गए हैं, अलग अलग विषयों के, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इथिक्स, इस सारे रिजल्ट आ चुके हैं, जैसा कि देख पा रहे हैं। आप अपने रोल नंबर के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला अपडेट आ रहा है दोस्तों, क्या अपडेट है हमारा कि PG डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग एंड PGDCA
पाठ्यक्रम के जो विद्यार्थी हैं आपके परीक्षा फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं। 1 मार्च से परीक्षा प्रारंभ होने के एक दिन पहले तक भर पाएंगे आप अपना परीक्षा। इसके बाद दोस्तों रिटोलिंग रिवेल्यूशन के कुछ रिजल्ट और अनाउंस किए हैं, जैसा कि देख पा रहे हैं आप LLB सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट आ गया है, ठीक है। LLB फोर्थ सेमेस्टर का भी यहाँ पर हमारा रिजल्ट अनाउंस कर दिया गया है, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं BSc BEd सेकंड सेमेस्टर, BSc BEd फोर्थ सेमेस्टर, BA BEd फोर्थ सेमेस्टर, BA BEd सिक्स सेमेस्टर, BLLB फोर्थ सेमेस्टर, BLLB टेंथ सेमेस्टर, MEd सेकंड सेमेस्टर, MEd फोर्थ सेमेस्टर, इन सभी के रिजल्ट यहाँ पर आ चुके हैं। इसके बाद कुछ रिजल्ट और अनाउंस किए गए हैं, BEd फोर्थ सेमेस्टर का यहाँ पर रिजल्ट आ गया है, जैसा कि देख पा रहे हैं इन सभी विषयों के यहाँ पर रिजल्ट आ गए हैं। आप इसकी जो पूरी की पूरी PDF है आप चूंकि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर पाएंगे, वैसे आप वीडियो को पॉज करके भी अपना रोल नंबर देख सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये अपडेट थे जो आपके लिए जानना जरूरी था। चलिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट है वो भी मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। अगर आपको UG यानी कि BA BCom BSc करना है और दोस्तों प्राइवेट से करना है तो प्राइवेट से आप कर सकते हैं। यहाँ पर 11 मार्च लास्ट डेट रखी गई, तो आप रजिस्ट्रेशन कर लेना 11 मार्च से पहले पहले। रजिस्ट्रेशन करने के बाद उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को ले जाकर अपने कॉलेज में जमा कर देना, ठीक है, और आपका एडमिशन कम्प्लीट हो जाएगा प्राइवेट। दोस्तों अभी मैंने एग्जाम फॉर्म के बारे में आपको बताया था कि एग्जाम फॉर्म इसके सबमिट हो रहे हैं, और जो अभी मैंने आपको बताया था एक तो ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी का बताया था, एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी का बताया था कि थर्ड ईयर के इसके सबमिट हो रहे हैं। दूसरे इन्फॉर्मेशन और दे देना चाहता हूँ, अगर आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो और दूसरा आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो तो आपके भी दोस्तों यहाँ पर एग्जाम फॉर्म सबमिट होना स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ पर 11 मार्च लास्ट डेट रखी गई, 11 मार्च से पहले पहले आप अपने परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। परीक्षा फॉर्म कैसे भरना है इसके बारे में ऑलरेडी वीडियो बना रखे हैं मैंने, लेकिन आप कमेंट करोगे तो एक नया वीडियो भी और बना दूंगा कि किस तरह से हमें अपना परीक्षा फॉर्म भरना है। सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी आपको, वीडियो को शेयर कर देना। मिलता है अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।